विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया है। दरअसल इस गठबंधन में सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता और उनकी पार्टी शामिल हैं। ये सभी पार्टियां आपसी मतभेद को भुलाकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो बन गया, नामांकन भी हो गया, समिति भी बन गई, लेकिन चुनाव के पहले ही राजनीतिक दल अपने अपने सुर में बोलने लगे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन बेताल होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब, बिहार तक कई राज्यों के राजनीतिक का गणित इतना जटिल हो गया है कि सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन कितना प्रभावी होगा। सवाल यह है कि क्या गठबंधन कामयाब रहेगा। इस बीच इंडिया गठबंधन की गतिविधियों के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया है। समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को हुई। ऐलान किया गया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में गठबंधन की एक बड़ी संयुक्त रैली भोपाल में होगी। सब कुछ हो रहा है लेकिन सीट समझौते को लेकर कुछ नहीं हो रहा और इस संयुक्त सभा के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल का मामला लेते हैं। वहां राज्य की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में वाम कांग्रेस एकजुट है। अधीर रंजन चौधरी और माकपा नेता मोहम्मद सलीम ममता की पार्टी पर हमलावर है। राष्ट्रीय राजनीति में चाहे जो भी समीकरण हो, बंगाल की धरती पर वो पूरी तरह से तृणमूल के खिलाफ है। इस राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों में घमासान मचा हुआ है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगभग हर दिन तृणमूल सुप्रीमो पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में स्पेन का दौरा किया था। उन्होंने ममता की स्पेन यात्रा को अनावश्यक खर्चा बताते हुए इसकी आलोचना की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बंगाल में डेंगू की स्थिति पर भी मुख्यमंत्री पर हमला बोला। अधीर रंजन ने राज्य में डेंगू की स्थिति को ममता निर्मित और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित बताया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी 42 सीटों में से केवल कांग्रेस को 2 सीटें छोड़ने की पेशकश की, जिसे पार्टी ने खारिज कर दिया है। ये तो हुई बंगाल के समीकरण की बात। प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी कौन करेगा, इसकी भी समस्या है। पंजाब के तृणमूल नेता कुछ दिन पहले तक दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक से ज्यादा नामों की चर्चा है, जैसे कि बिहार में एक बार फिर से मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसा दावा राजद कर रहा है कि लालू की पार्टी की ये मांग की गई है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या टिप्पणी लालू के इशारों पर की गई है या फिर सियासी शतरंज के खेल में मचे लालू ने यहाँ ढाई चाल चली। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले तक लालू राहुल के गुणगान कर रहे थे, अब लालू के उस करीबी नेता के सामने नीतीश को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग। लालू की टीम अचानक से 180 डिग्री क्यों घूम गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने इस विवाद पर पार्टी का रुख और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, बिहारवासी होने के नाते हम भी चाहते हैं कि बिहार से ही कोई प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उनके पास वो क्षमता अनुभव है। इस बहस में अरविंद केजरीवाल की तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां देश की 1.4 अरब आबादी का हर व्यक्ति सोचे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें किसी भी व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना चाहिए, हर इंसान को सशक्त होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पंजाब में भी समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब अब आम आदमी पार्टी के हाथों में है। पंजाब कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे में से एक सुखपाल सिंह खेरा को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में कांग्रेस खेमे में आपके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका इंडिया गठबंधन पर भी प्रभाव पड़ना शुरू कर दिया है। जैसे कि पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वो राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी इस पर अपना मुंह खोलना पड़ा है। केजरीवाल ने एक बयान में कहा कि वो इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध है।